कितना बड़ा भी आदमी हो, उन्हें सर संविधान के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ टीआरपी के लिए कोई बात नहीं कर सकते हम, सियासत और वोट के चलते हम ना तो किसी भाषा का अपमान करेंगे, ना तो क्षेत्र का, ना तो किसी जाति, ना धर्म, ना मजहब, ना कौम का। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसोर्ट्स। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज जीतन राम मांझी के विवादित बयान पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम का भी एग्जाम्पल दिया, साथ ही उन्होंने कहा कि टीआरपी के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए, साथ ही साथ संविधान से उलट हम किसी फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए ऐसी बात नहीं करेंगे। जी हाँ, उन्होंने साफ लफ्जों में ये भी बताया है कि ये जो सारी बातें की जाती है वो टीआरपी के लिए की जाती है, राजनीतिक फायदे के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि किसी जाति विशेष पे, किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी करना सही नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। आप खुद सुनिए कि पप्पू यादव आज मांझी को, जी हाँ जीतन राम मांझी को क्या कुछ सलाह दे रहे हैं। संविधान के विपरीत नहीं चल सकता कोई, यह कंट्री और संविधान सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम सार्वभौमिकता। कितना बड़ा भी आदमी हो, उन्हें सर संविधान के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को फॉलो करना पड़ेगा। हम सियासत और वोट के चलते हम ना तो किसी भाषा का अपमान करेंगे, ना तो क्षेत्र का, ना तो किसी जाति, ना धर्म, ना मजहब, ना कौम का, ये गलत है। राजनीतिक सुचित्रता और मर्यादा आवश्यक है। हम सिर्फ टीआरपी के लिए कोई बात नहीं कर सकते, बहुत काम है टीआरपी के लिए, किसी भी समूह, किसी भी समाज। अब बिहार का राजनीति कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी पिछड़ा तन पिछड़ा, कभी जाति उपजाति, दलित महादलित, यह नहीं चलेगा। हमें बिहार के 14 करोड़ के निर्माण की बात करनी हो, भारत के 130 करोड़ के निर्माण की बात करनी हो, हम बांट नहीं सकते, ना सोसाइटी को, ना किसी व्यक्ति विशेष को गाली नहीं दे सकते, किसी भी कीमत में नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज जीतन राम मांझी को बहुत कुछ सलाह दे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टीआरपी के लिए, वोट बैंक के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष और किसी क्षेत्र विशेष पर वो गलत बातें नहीं करेंगे और ये नहीं करना चाहिए, ये बातें जो हैं बिल्कुल भी गलत है और संविधान के विरुद्ध, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सब धर्म को समान अवसर मिलना चाहिए, समान जो मान्यता है वो देनी चाहिए, ऐसे में संविधान के विरुद्ध भी काम नहीं करने चाहिए। उन्होंने मांझी के सारे बातों को, जो उन्होंने विवादित बयान दिए हैं, उसे पूरी तरीके से गलत बताया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।